जब 40 साल बाद अपने काका से जिंदा देखा तो खुशी के मारे आंख से आंसू नहीं थम पाए। परिवार को यकीन नहीं हो रहा था काका जिंदा भी होंगे। जब मिले तो खूब रोए, आंसू नहीं थम रहे थे। हर कोई ये पल देखकर भावुक हो गया था। ये कहानी है 40 साल पहले परिवार से बिछड़े सीमांचल भारत के पास छोटे से टिकरपाड़ा कस्बे के निवासी की। लंबे समय से बुरहानपुर में दिन काट रहे सीमांचल को रोटी बैंक ने मिलाने का काम किया, लेकिन ये कड़ी जोड़ी 29 जून को कपड़ा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी और देवकी नंदन सोनी की और उनकी स्वर्गीय बहन लक्ष्मी देवी झवर निवासी कटक उड़ीसा की स्मृति में रोटी बैंक को एक दिन के भोजन खर्च की दान राशि देने पहुंचे। तब शिंदे ने उन्हें इस बुजुर्ग की पूरी कहानी सुनाई। तब सुरेश सोनी ने तुरंत उनके भांजे कमल राठी, जो टिकरपाड़ा से 150 किलोमीटर दूर रहते हैं और समाज सेवी भी हैं, उनको ये मामला बताया। राठी ने उनके जिले पुलिस विभाग की मदद लेकर इस बुजुर्ग के भाई का घर ढूंढ निकाला। बुजुर्ग की व्यथा सुन बुरहानपुर के समाज सेवियों ने भी दिल लुटा दिया। बुजुर्ग की सेवा में कोई कमी नहीं की। परिवार को ओडिशा से बुरहानपुर बुलाया तो उनके रिजर्वेशन टिकट आने जाने का बुजुर्ग सहित कराया। महेश्वरी समाज ने 10,000 रुपए नगद, किशोर वाणी ने 3,000 रुपए और मोबाइल, कपड़े, मिठाई, नमकीन और प्रशासन की तरफ से वॉकर स्टिक प्रदान की। परिवार वालों के मिलन का वे पल सभी के जहन में हमेशा के लिए उतर गया। बुधवार को बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रवाना हुए। इसके पहले मौजूदा SDM काशीराम बड़ोले ने अपनी संतुष्टि के लिए बुजुर्ग की वीडियो कॉल पर भतीजों से बात कराई। वीडियो कॉल पर बुजुर्ग ने सभी को पहचाना।